तो दोस्तों हम 8th पार्ट खेलने खेलने वाले हैं ग्रेवियार्ड का। और ये प्लेस है नॉर्थन कजाकिस्तान। चलो प्ले करते हैं जरा। Objective is the fuel control system at the base of the tower. Detonating this should ignite the fuel lines and destroy each of the rockets. तो हमें फ्यूल कंट्रोल टावर को जो है डिस्ट्रॉय करना है इसमें। अब इसमें ये बता रहा है कि वो रेड स्टार जो है अलायंस वो ईएमपी जनरेटर यूज कर रही है। वो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ वहाँ पे एक वेव निकल रही है रेड कलर की। वो ईएमपी है जिसके वजह से मेरा जो है टैंक जो है अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ अभी। मेरा टैंक जो है जाम हो चुका है अभी और मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेपन यूज़ नहीं कर सकता अभी जब तक कि मैं वो ईएमपी जनरेटर को डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। अभी जितना यूज़ है टैंक का वो कर सकते हैं हम। ये देखिए इसके पास आपको इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का दिख रहा है ना। जब मैं इधर से टैंक से एग्ज़िट करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये टैंक जो है जाम हो चुका है। अब हमें किसी भी तरीके से इस ईएमपी जनरेटर को बंद करना पड़ेगा। अब ये हमें एक्सेसरीज मिल रही है। ये हमें ड्रोन मिल गया। ये हमें एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल गई। और ये टाइगर क्लो अटैक ड्रोन मिल गया। अब इसी को यूज़ करते हैं। बट देखो इसमें ईएमपी उन्होंने स्टार्ट कर रखा है तो इस वजह से मैंने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं मेरे वो काम नहीं करने वाले। तो अब मैं इस टाइगर क्लॉ ड्रोन को यूज़ नहीं कर सकता। मुझे इसके अलावा भी काम करना पड़ेगा बिना इसके। पहले मुझे उस ईएमपी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले इन सबको मारना पड़ेगा और ये मुझे उधर पहुँचने ही नहीं देंगे। अरे इधर स्नाइपर भी है। ओह माय गॉड। बाल बाल बचा। वो भी एक स्नाइपर है जो टॉप पे है। देखो इसने बुलेट मारी। अब पहले स्नाइपर को लेना पड़ेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ पूरी मैगजीन खत्म हो गई बस उसको कुछ नहीं हुआ। ये बहुत पापड़ बेलवा रहा है। आखिरकार हमने मार ही दिया स्नाइपर को। अब किसी भी तरह उस टावर पे हमें चढ़ना है और ईएमपी टावर को जो है डिस्ट्रॉय करना है। ईएमपी जनरेटर इसको उड़ाना पड़ेगा। ये आर्मर बेस्ड है। इस पे कोई भी आके फिर से गोलीबारी कर सकता है। तो अब हम चलेंगे ईएमपी टावर की तरफ। ये सब तो काम ही नहीं करने वाला। ये है हमारा ईएमपी टावर और इधर ये सिक्योरिटी कर रहा है इसका। भागो भाई गोली मार रहा है कोई। अब पहले सबसे पहले इस टावर को जो है ईएमपी टावर को बर्बाद करना है हमें।
तो ईएमपी जनरेटर को बंद करने का कोई तरीका नहीं है? बटन नहीं है, बट हम फिर इसको गोलियों से ही जो है बर्बाद कर देंगे। अब कुछ मजे लेते हैं आर्मर्ड वाले गन को यूज करते हुए, सब मशीन गन। लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोग अभी भी हमें गोली मार रहे हैं, तो हमें इंडिविजुअल करके एक एक बंदे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लो अब उनके बीच से निकल गया ये ग्रेनेड, रॉकेट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। इसको तो पड़ेगा, ये देखो इसकी तो बोटी बोटी हो गई। उधर कुछ फर्क पड़ सकता है, ये एक छुप के स्नाइप कर रहा है लोगों को, बट ये असर नहीं करने वाला, तो हम उसे नहीं मारने वाले। हम आर्मर्ड जितने भी हैं गन्स उसको उड़ाने वाले हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा उस पे। तो हमें गोलियों से ही करना पड़ेगा कुछ, गोलियों से। असर तो हुआ कुछ। अब उस बंदे को भी एक बार गोलियों से कुछ कर दें। ये बहुत लॉन्चर रॉकेट पे रॉकेट मारे जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो भैया बच के? अब इनको तो हमने जो है एलिमिनेट कर दिया। अब बुलेट्स मुझे कहाँ मिलने वाली है? नहीं इधर नहीं है बुलेट्स हमारी, शायद अंदर ही जाना पड़ेगा। मेरे पास बुलेट्स कम हो गए हैं, मुझे बुलेट्स पहले लेनी है। चलो पहले इस टावर पे देखते हैं, कुछ बुलेट्स वुलेट्स मिल जाए तो बेटर है। वाह, और ये हमें मिल गई स्नाइपर राइफल, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। अब आओ बेटा, कौन आते हो? अब देखो इसकी मैं पुंगी बजाने वाला हूँ सबकी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। और कोई है भाई? तो आ जाओ अब, बहुत चौड़े हो रहे थे मेरे सामने। बोटी बोटी कर दूंगा सबकी। एनिमी आ रही है, कोई फायदा नहीं है, हमें असॉल्ट राइफल लेनी पड़ेगी। कवर ले लो भाई सबके सब, अगर मरने की ख्वाहिश नहीं है तो। अब इधर हमें डेमोलिशन चार्ज लगाना है। कवर ले लो भाई लोग, उड़ जाओगे नहीं तो। बूम। अब लॉन्च फैसिलिटी हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। अब एक टावर अभी भी बचा हुआ है जिसमें रॉकेट ऑलरेडी फ्यूल हो चुका है, तो हमें उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करना है अब। तो ये हमें तीन टारगेट दिख रहे हैं, अब इन तीन टारगेट की तरफ बढ़ना है। कुछ बुलेट्स वुलेट्स मिल जाती तो बेटर रहता, पहले बुलेट्स ढूंढते हैं। इधर मिल सकता है क्या? सीढ़ियाँ बड़ी सही है इनकी, कुछ भी नहीं है इधर, उतर के भागना पड़ेगा। अब मैं बंदे के ऊपर ही कूद गया, तो वो बंदा बोल रहा है मैं तुम्हारी तरफ हूँ भाई, मेरा टैंक मेरा इंतजार कर रहा है, अब मुझे इसको ले लेना चाहिए।
अब देखो मैं तहलका मचाने वाला हूँ। ओ इधर ऑलरेडी इनके हैं, लाइट वेट व्हीकल और टैंक ऑलरेडी हैं इनके। ओह माय गॉड यार, इन्होंने तो मेरी चटनी बना दी। अच्छा खासा डिस्ट्रॉय हुआ है, मैं अच्छा खासा डैमेज दे दिया इन्होंने। अब मैं इनको छुप छुप के मारूंगा। ये भी गया, दो को तो हमने लटका दिया। अब आगे वाले की तैयारी करते हैं। ये देखो चौड़ा होके रॉकेट पे रॉकेट फेंके जा रहा है। तुम्हारे तो मैं कह के लूंगा। इधर भी एक टैंक है। ये मार कौन रहा है भाई मेरे को? तुम हो ना बेटा, छुप छुप के मार रहे हो तुम। ये देखो इसमें रॉकेट आसपास से निकलता है तो कितनी अच्छी आवाज आती है, बिल्कुल रियलिज्म लगता है। ग्राफिक्स में भी उतना रियलिस्टिक नहीं है, बट ज्यादातर आप अगर इसका वे ऑफ गेम प्ले देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, जिसको खेलने में मजा आता है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, जितने भी छुपे हुए लोग हैं उनको मारना पड़ेगा इसी से। ये देखो एक छुपा हुआ है। तू कहाँ भाग रहा है भाई? आजा आजा मुन्ना आजा। कोई है माइक लाल तो सामने आ जाओ, भुर्जी बना दूंगा। अब हेलीकॉप्टर उन्होंने भेज दिए हैं टैंक से निपटने के लिए, तो पहले तो इस एरिया को हमें कैप्चर करना पड़ेगा। ये देखो छुपा बैठा था इधर। ये हमें बुलेट्स मिल चुकी हैं, इस एरिया को कैप्चर करके अपना बेस बनाते हैं। अब जैसे ही हमारा बेस कोई भी एक एरिया बन जाता है ना, तो उधर ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखोगे, ये देखो सामने टैंक पड़ा हुआ है, ये रीसप्लाई हुई है हमारी। अब जितने भी हमारे टैंक डिस्ट्रॉय होंगे, सारे का रीसप्लाई इसी बेस से होगा। अब रेड स्टार अलायंस की जो है हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स आ चुके हैं हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम फुल मूड में पंगा लेने के लिए। टैंक भी है इधर। बहुत सारे टैंक और छोटे मोटे चंगू पंगू। टैंक की तो मैंने भुर्जी बना दी है। तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अब इन सारे बारातियों का स्वागत पान पराग से करना है अभी।
देखो चॉपर्स की हमें जो है रिफ्लेक्शन नहीं, जो है शेडो आ रही है, तो यानी पीछे कहीं ना कहीं चॉपर है। अब हमें बैक होना पड़ेगा, ये देखो इधर है, और एक ही शॉट में हमने चॉपर की ऐसी तैसी कर दी। अब इधर काफी लोग हैं, बट हम इनको संभाल लेंगे। कहाँ भाग रहे हो भाई चंगू मंगू? यार ये बहुत रॉकेट मार रहा है, बट ये हमें दिख नहीं रहा कहाँ से मार रहा है। ओहो, हमें नीचे उतरना पड़ेगा और स्नाइपर से इसको जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज काफी ज्यादा है। तो हमने ड्रोन हेलीकॉप्टर ले लिया टाइगर क्लो, और अब हम छुप के स्नाइप करने वाले हैं जो रॉकेट के से जो है अटैक कर रहा है। तो एक स्नाइपर तो गया, इधर तो धुआंधार दिवाली चल रही है, दोनों तरफ से रॉकेट ही रॉकेट। अब जरा हेलीकॉप्टर क्लो को काम पे लगाते हैं, इससे तो मजा ही आ जाएगा। आओ बेटा टैंक की भुर्जी बनाते हैं। 3 2 1, 3 2 1। तो इसमें हमारे पास टोटल 12 रॉकेट होते हैं। नहीं, हमारे पास टोटल 18 है। अब इसके पास रॉकेट नहीं है बिल्कुल भी, खत्म हो चुका है, तो अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर में राइट में 3 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और लेफ्ट में 3 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और हर एक लॉन्चर में 3 रॉकेट्स होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो 18 रॉकेट्स हैं हमारे पास एक हेलीकॉप्टर में, और 18 रॉकेट छोड़ने के बाद कोई टैंक डिस्ट्रॉय होता है। तो ये टैंक के लिए यानी बना नहीं हुआ है, ये छोटे मोटे व्हीकल्स हो गए उसके लिए काफी कारगर है। अब हम बैठने वाले हैं अपनी धन्नों में और आगे बढ़ेंगे। ये लो स्वागत में शुरुआत कर दी इन्होंने। भाई स्वागत तो हम करने वाले हैं तुम्हारा पान पराग से, और तुम ही स्वागत करने पे लग गए। हमें ये टैंक छोड़ना पड़ेगा इधर, क्योंकि टैंक इधर से निकलने वाला नहीं है। ये फुद्दू आदमी है, ये टैंक के ऊपर गोलियां चला रहा है, इसको ये नहीं पता टैंक पे गोलियों का कोई असर नहीं होता। तुम तो गए बेटा, तुम्हारी ऐसी तैसी। ओ भाई कोई स्नाइपर है, मार दिया। दोबारा बदला लूंगा मैं तुमसे, आ जाओ।
लेकिन मुझे पता नहीं लगा ये कहाँ से मार कहाँ से रहा है स्नाइपर। मुझे छुप के पहले देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से मुझे जो है ये इधर ही कहीं पीछे से मेरे तरफ से कर रहा है। पहले हेल्थ बढ़ाओ। आ जाओ बेटा अब तुम, अब तो दिखोगे ही तुम। ये है इधर छिपा हुआ। गए बेटा तुम तो। और भी है कोई? इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तुम मरोगे मेरे ही गोलियों से। भाई एक जगह रुको तो सही तुम। ये कौन आ गया बवाल करने के लिए? चॉपर आ चुके हैं। चॉपर मेरी लगाने पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी लगा के जाऊंगा। आ जाओ। दिवाली नहीं हो रही है इधर। एक एक शॉट तो तगड़ा लगा, वो और परेशान हो गया। दूसरा शॉट भी लग गया, यानी तीसरे शॉट में ख़त्म है ये। कहाँ गए भैया तुम? बेटा अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गया। भाई फिर कोई स्नाइपर मार रहा है यार। है कहाँ पे? निकलो यार निकलो इधर से। भाग लो इधर से, कोई ना कोई स्नाइपर आसपास ही है। जो भी मार रहा है मुझे मैं ओ देख क्या रीलोड कर रहे हो ना? लो और कौन है भाई? ले भाई तू भी ले। और कोई है तो आ जाओ सामने। यार ये तो आर्मर्ड वाला है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उड़ाना पड़ेगा, इसको इससे उड़ाएंगे शेल से। आ जाओ। और कौन है? और तुम हल्के में ले रहे हो मुझे। तुम्हारी बत्ती गोल कर दूंगा मैं। तो फिर आ गए ये, पता नहीं आते कहाँ से है। अब इधर भी आ गए। छुप जाओ भाई, बाल बाल बचे हैं बिल्कुल। नहीं गलत जगह पे निशाना मार रहा हूँ। चला इधर है बंदा। यार कोई इसको मारो यार। लो मैंने बोला ही और उस बंदे ने सुन भी लिया, लॉन्चर ही फेंक के मार दिया। तुम कहाँ जा रहे हो भैया? ये लो गोली लेते जाओ। इधर भी ओ गया ये भी, इसकी तो मैंने पुंगी बजा दी। तो मेरे पास बुलेट भी हो गए, अब मुझे जरा मिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसी वाले चौड़े मीनार पे। मुझे गन चाहिए भाई। यस अब मैं चढ़ रहा हूँ आराम से, और कोई भी बंदा नहीं है। बंदों का नाम लिया और आ गए दुश्मन, फिर आ गए। ये चढ़ने नहीं देना चाहते। पहले तो अकेले में देखता हूँ इनको, इसको मारो पहले तो। आ जा बेटा, बहुत छुप छुप के मार रहे हो ना तुम। यार ये पूरी मैगजीन खा जाते हैं फिर भी कुछ होता नहीं है इनको।
और आखिरकार हम सबको मार चुके हैं और हमें इधर डेमोलिशन चार्ज लगाना है। ये चार्ज इतना एडवांस लेवल का है भैया, मज़ा आ जाता है। हम निकलो यहाँ से नहीं तो खुद भी उड़ जाएंगे। अब ये एरिया ख़त्म हो चुका है, अब रेड स्टार इस एरिया से रॉकेट नहीं लॉन्च कर सकती। Saddle up, man. We need to move. We're not out of this yet.